हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, WWE ने अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया 37 में बॉबी लैशली फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के मैच में। लेकिन अगर फास्टलेन 2021 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए तो हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने मिलेगा रेसलमेनिया 37 में ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर का। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रेसलमेनिया 37 में रेटेड और सुपरस्टार एज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हराकर नए यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एज ने रॉयल रंबल जीतने के बाद ये डिसाइड नहीं किया था कि वो किसको चैलेंज करेंगे, पर उसके बाद रोमन रेंस एज को ये बोलने लगे कि वो मेन इवेंट के सुपरस्टार हैं, इसलिए एज को रोमन को उनका ट्राइबल चीफ मान लेना चाहिए और उन्हें ही चैलेंज करना चाहिए रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट में। और रोमन ने एज को स्पीयर भी दे दिया। पर उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर पेपरव्यू में जब रोमन डैनियल ब्रायन को हरा कर सेलिब्रेट कर रहे थे, तब एज ने ना सिर्फ रोमन से बदला लेते हुए उन्हें स्पीयर दिया, बल्कि उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए रेसलमेनिया 37 में। और तब रोमन ने एज को कहा कि वो फैमिली वाले हैं, इसलिए एज को इस मैच में फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोमन नहीं चाहते कि वो एज को इतना मारे कि वो इंजर्ड हो जाएं और उनकी फैमिली की देखभाल भी ना कर सकें। लेकिन एज ने इस मैच से पीछे हटने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब उन्हें रिटायर होना पड़ा था तब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और रिटायरमेंट की वजह से उन्हें उनका वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ा था, और इसलिए अब वो फिर से चैंपियन बनना चाहते हैं, क्योंकि एज को भी नहीं पता कि वो और कितने टाइम तक फाइट कर पाएंगे। दोस्तों, भले ही अभी फास्टलेन 2021 में रोमन रेंस का मैच डैनियल ब्रायन के साथ होने जा रहा है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इतना हम सबको पता है कि रोमन डैनियल ब्रायन को हराकर उनका यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर लेंगे और रोमन रेंस का ही मैच एज के साथ होगा रेसलमेनिया 37 में, और इन दोनों का पहली बार सिंगल्स मैच होने जा रहा है। और फैंस को इस मैच का इंतजार पिछले साल से था जब एज रॉयल रंबल में रिटर्न आए थे, और इस स्पीयर वर्सेस स्पीयर के मैच में यह गेस करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ रोमन रेंस हैं जो कि जब से रिटर्न आए ना तो उनका पिनफॉल हुआ है और ना ही उन्होंने टैप आउट किया है, और रोमन ने रिटर्न आने के बाद से अभी तक सिर्फ एक मैच हारा है, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन से। और एज ने रॉयल रंबल 2021 जीतने के बाद उनका मोमेंटम अभी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, और एलिमिनेशन चेंबर 2021 के बाद से अभी तक वो दो बार रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर चुके हैं। पर दोस्तों, अगर एज यूनिवर्सल चैंपियन बन गए तो वो रोमन रेंस की तरह फुल टाइम फाइट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि रोमन एज को हरा कर उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे रेसलमेनिया 37 में। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से रेसलमेनिया 37 में इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के या फिर द रेटेड सुपरस्टार द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट एज के? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का इंतजार फैंस रेसलमेनिया 36 के बाद से ही कर रहे हैं, जब ब्रॉक उनका WWE चैंपियनशिप रेसलमेनिया में हार गए थे ड्रू मैकइंटायर से, और द बीस्ट के फैंस वेट कर रहे हैं कि कब ब्रॉक रिटर्न आकर WWE चैंपियन को चैलेंज करें। और क्योंकि अब रेसलमेनिया पेपरव्यू बहुत सामने आ चुका है, इसलिए अगर ब्रॉक रिटर्न आए तो उनका WWE चैंपियन के ही साथ मैच होगा। पर फिलहाल WWE ने अनाउंस कर दिया है कि WWE चैंपियन बॉबी लैशली फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप के मैच में रेसलमेनिया 37 में। लेकिन अगर फास्टलेन 2021 में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए तो बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के साथ ब्रॉक लेसनर फाइट करेंगे ट्रिपल थ्रेट मैच में WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 में। और रेसलमेनिया 37 इंडिया में दो दिन, संडे 11 अप्रैल और मंडे 12 अप्रैल की सुबह को देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।